प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी बताने वाला हूँ। आपने सुना ही होगा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो चलिए इस कहानी से सीखते हैं कि किस तरह से कोशिश करने से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहानी का शीर्षक है मकड़ी की सीख। स्कॉटलैंड में ब्रूस नाम का एक राजा था। वह बहुत वीर था, उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था, प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। एक बार उसके पड़ोसी देश के राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। ब्रूस अपनी सेना के साथ बहुत वीरता से लड़ा, परंतु भाग्य ने उसका साथ न दिया। युद्ध में उसकी पराजय हुई, उसके बहुत से सैनिक मारे गए। शत्रु के सैनिक उसे जीवित कैद करना चाहते थे। ब्रूस किसी तरह शत्रु से बचता बचाता एक जंगल में जा पहुंचा। वह छिपकर एक गुफा में रहने लगा। गुफा में रहते रहते उसे अपने परिवार और देश की बहुत याद आती थी। वह किसी तरह से अपना राज्य पुनः प्राप्त करना चाहता था, पुनः पाना चाहता था, पर उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक दिन वह गुफा में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, तभी उसकी नज़र एक मकड़ी पर पड़ी। वह गुफा में बैठा था और कुछ सोच रहा था और उसकी एक मकड़ी पर नज़र पड़ी। वह दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। जो मकड़ी थी वो बार बार दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। ब्रूस ने देखा मकड़ी ऊंचाई पर चढ़ती और फिसलकर नीचे गिर पड़ती। मकड़ी ने इस तरह अनेक बार प्रयत्न किया। जो मकड़ी है वह बार बार कोशिश करती रही, अनेक बार प्रयत्न किया। हर बार जब मकड़ी नीचे गिरती तो ब्रूस को उस पर बहुत दया आती थी। वह सोचता था कि बहुत हो चुका, अब शायद मकड़ी की हिम्मत ने जवाब दे दिया। उसे लगता था कि मकड़ी जो है वह बार बार प्रयास करने से वह थक चुकी होगी या उसकी हिम्मत जो है वो टूट चुकी होगी। अब वह दीवार पर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। पर यह क्या, मकड़ी ने फिर से हिम्मत जुटाई और इस बार वह दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। ब्रूस खुशी से उछल पड़ा। इस घटना से ब्रूस का खोया हुआ विश्वास फिर से जाग उठा। तो मकड़ी को जो सफलता उसके बार बार प्रयास करने से मिली और वो दीवार पर चढ़ पाई, तो ब्रूस उस दृश्य को देखकर उसके मन में भी जो विश्वास है पुनः जाग गया। उसने सोचा, जब एक मकड़ी बार बार कोशिश कर रही दीवार पर चढ़ सकती है तो मैं अपने शत्रुओं को क्यों नहीं हरा सकता। ब्रूस ने नए जोश और हिम्मत के साथ अपनी सेना तैयार की और शत्रु पर धावा बोल दिया। तो ब्रूस ने फिर से हिम्मत जुटाई और शत्रु पर हमला कर दिया। शत्रु अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं था। शत्रु की हार हुई और ब्रूस को अपना राज्य फिर से मिल गया। बच्चों, एक छोटी सी मकड़ी ने यह सीख दी, बार बार कोशिश करने से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। तो हमें भी बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटी सी कहानी और इसकी जो शिक्षा है वह हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने कार्य को कोशिश करने से जो है उसको पूरा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।